Recording in progress. Parties to the instrument. सर अभी हम लोगों ने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, मतलब हम लोगों ने अभी प्रॉमिसरी नोट पढ़ा, हमने अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, हमने अभी चेक पढ़ा. तो इन तीनों चीजों में कितनी पार्टीज होती हैं वो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करें. क्लियर? सबसे पहली पार्टी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टी के बारे में एक सिंपल डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सर बिल ऑफ एक्सचेंज की तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है हमारा ड्रॉअर, एक होता है हमारा ड्रॉइंग और एक होता है हमारा पेल. ड्रॉअर मतलब वो इंसान, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, द पर्सन हु ड्रॉज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कोई भी ऐसा पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करता है, लिखता है, बनाता है, उसको ड्रॉअर कहा जाता है. जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूजुअली सेलर बिल को ड्रॉ करता है, प्रॉमिसरी नोट में बायर बिल प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ करता है और चेक के केस में जो बायर होता है वही बिल को ड्रॉ करता है. तो कुल मिला के ड्रॉअर का मीनिंग क्या हुआ? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, द पर्सन हु मेक्स द बिल. क्लियर? देखो ड्रॉअर इंस्ट्रूमेंट इज द पर्सन हु मेक्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक या फिर प्रॉमिसरी नोट. द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई. एंड के बाद क्या लिखा है? द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई. तो सर ड्रॉई मतलब कौन? द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट. जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट कौन देता है? ड्रॉई या फिर बायर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बायर को बोलते हैं बायर, बायर यू हैव टू मेक पेमेंट. प्रॉमिसरी नोट के केस में पेमेंट कौन पे करता है? खुद बायर, जो कि बिल का ड्रॉअर भी होता है. तो प्रॉमिसरी नोट में कोई ड्रॉइंग नहीं होता. क्लियर? क्योंकि सर प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉअर और ड्रॉई तो सेम इंसान हो जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉअर तो होता है क्योंकि वो ड्रॉ करता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कोई ड्रॉइंग नहीं होता, है ना. और वैसे भी प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉअर को ड्रॉअर नहीं, मेकर कहा जाता है. ठीक है? इसके बाद आता है चेक. सर चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है? जो पेमेंट करता है. कौन पेमेंट करता है? बैंक पेमेंट करता है. तो जो भी इंसान जिसको डायरेक्शन दिया जाता है पेमेंट का, वो अपना ड्रॉइंग होता है. सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्शन बायर को दिया जाता है, चेक के केस में डायरेक्शन बैंक को दिया जाता है, और प्रॉमिसरी नोट के केस में डायरेक्शन किसी को नहीं दिया जाता बिकॉज इट इज एन प्रॉमिस टू पे, इसलिए उसमें कोई ड्रॉइंग होता ही नहीं है. क्लियर? अच्छा इन शिवनाथ वर्सेस विशांबर लद्दाख का है ये. इट वॉज हेल्ड एट डेफिनेशन ऑफ ड्रॉअर इज नॉट एग्जॉस्टिव. याद करो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कौन सी होती है, मैंने समझाई थी जब मैं तुम्हें लॉ पढ़ाना शुरू किया था. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वो होती है जो डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होती है. जैसे बायर मीन्स, सेलर मीन्स, ये होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. क्यों होती है? क्योंकि सर जैसा लिखा है हमें वैसा ही याद करना है, वैसे ही लिखना है. हम उसको अपने मन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लॉ मेकर ने बहुत सोच समझ के वो डेफिनेशन लिखी है. अभी तो उसने सीधा बोला ड्रॉइंग मीन्स, मतलब जो मैंने लिखा है वही सच है, वही सत्य है, वही आपको मानना पड़ेगा. और अगर किसी डेफिनेशन में क्या लिखा होता है, इंक्लूड, कोई भी डेफिनेशन देखना, तुम बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ोगे एक्ट्स में, किसी डेफिनेशन में स्टार्टिंग में लिखा हो जैसे स्टॉक इंक्लूड्स, तो
और ये कैसी डेफिनेशन होती है? इंक्लूसिव डेफिनेशन। यहाँ पे आपको अगर कुछ लग रहा है ना मन के हिसाब से अपने आप लग रहे हो चीजों को देखकर के यार ये भी तो स्टॉक है, तो आप उसको स्टॉक मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे लॉ मेकर को कंफर्म नहीं था, इसलिए लॉ मेकर ने क्या करा, मीन्स की जगह इंक्लूड लिख दिया। क्यों? उसको भी कंफ्यूजन थी। आया समझ? अच्छा अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है। द मेकर इज ऑफ प्रॉमिसरी नोट कैन ऑल्सो बी ड्रॉअर। सर जो इंसान प्रॉमिसरी नोट बनाता है वैसे तो उसको मेकर कहा जाता है, लेकिन आप चाहो तो उसको क्या बोल सकते हो? ड्रॉअर। क्योंकि सर अल्टीमेटली वही इंसान क्या बना रहा है? बिल बना रहा है, तो इसलिए आप मेकर की जगह उसको ड्रॉअर भी बोल सकते हो। तो ड्रॉअर की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है सर, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, आप लो चीजों को उसमें इंक्लूड कर सकते हो। आगे देखो सर, ड्रॉअर इन केस ऑफ नीड क्या होता है? व्हेन इन द बिल और एनी एंडोर्समेंट द नेम ऑफ अ पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉइंग टू बी रिस्टोर्ड इन केस ऑफ नीड, सच अ पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। वही जब से मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉअर ड्रॉअर क्यों लिखा है, अपनी बुक में जो ड्रॉअर लिखा है ना ऊपर उसको चेंज करके लिखो ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। ठीक है सर, ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, जरूरत पड़ने पर किसको हम मुर्गा बनाएंगे, जरूरत पड़ने पर किसको हम अपना ड्रॉई बनाएंगे, उसको कहा जाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। हमेशा याद रखना, कभी है ना बैंक्स वगैरह से लोन लेने जाते हो ना तो वो नॉमिनी का नाम लिखवाता है ना, और साथ में कुछ रिश्तेदारों का नाम लिखवाता है, उनसे पैसा नहीं लेंगे। अगर आपने पैसा खा लिया तो बस आपकी बेइज्जती करेंगे उनके सामने, ताकि आप पैसा थोड़ा जल्दी दे दो। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है सर? कभी कभी ड्रॉई से, मेन ड्रॉई से आपका जो प्रिंसिपल ड्रॉई है उससे अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता ना, तो हम लोग किससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? इन केस ऑफ नीड वाले से, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, सिर्फ हम तुझे तभी टोकेंगे जब तेरी हमें जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज पैसा हमें ड्रॉई से लेना है तो हम ड्रॉई से ही पैसा लेंगे, लेकिन नीड है तुम्हारी, क्यों नीड है? उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, वो गुम हो गया है, कहीं भाग गया है, तो हम आपको पकड़ेंगे। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मतलब कोई भी एडिशनल ड्रॉई जो हमारे मेन ड्रॉअर के एडिशन में एक सिक्योरिटी की फॉर्म में हमने उसका नाम लिखा है, और जरूरत पड़ने पर हम उससे भी पैसा मांग सकते हैं। क्यों? अगर ड्रॉई पैसा ना दे तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर जिसका नाम आप लिखते हो उसको कहा जाता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस इंसान को पेमेंट देनी है अपन उससे कहेंगे कि भाई अगर तुम पैसा खा के भाग गए या तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा तो एक एडिशनल नंबर दे दो, वो कहेगा नंबर तो है नहीं। तो मैं बोलूंगा कि ऐसे इंसान का नाम लिख दो कि तुम्हारी नॉन अवेलेबिलिटी पर मैं उसके पास जाऊं और मुझे मेरा पैसा मिल जाए, लेकिन मैं उसके पास सिर्फ तभी जाऊंगा जब नीड होगी, जब तुझसे तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं। क्लियर? चल नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे चलो। एक्सेप्टर आफ्टर द ड्रॉइंग हैज साइंड अ बिल ऑन हिज असेंट ऑफ द बिल और इफ दिस इज द मोर पार्ट देयर ऑफ दैट वन upon such part and delivered the same given the notice of signing the holder to some person who is called acceptor. Sir, acceptor yani sir ek baat hai, acceptor or drawee can be seen. क्या होता है ना सर, एक्सेप्टर यानी क्या होता है? द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, कोई भी ऐसा पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? ड्रॉअर। ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और ड्रॉई को ऑर्डर देता है कि इतनी तारीख को मुझे इतनी पेमेंट कर देना। ड्रॉई को क्या करना होता है? उस बिल पे सिग्नेचर करके उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्टर यानी क्या? कोई भी ऐसा पर्सन जो बिल पे अपने साइन करके ये एसेंट दे दे, एसेंट मतलब ये अप्रूवल दे दे दैट आई हैव एक्सेप्टेड द बिल व्हिच इज मेड बाय ड्रॉअर। ड्रॉअर ने जिस बिल को बनाया था बॉस, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो आई एम ड्रॉइंग ऑल्सो एज वेल एज आई एम एक्सेप्टर। वाई आई एम एक्सेप्टर? बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड द बिल। एंड वाई आई एम ड्रॉइंग? बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट टू ड्रॉअर। क्लियर? सो एक्सेप्टर और ड्रॉइंग कैन बी अ सेम पर्सन और इट वुड बी अ सेम पर्सन।
आगे एक्सेप्टर फॉर ऑनर व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी एनी अदर एनी पर्सन एक्सेप्ट इट्स सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर और एनी वन ऑफ एंडोर्सर्स सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टर फॉर ऑनर. सर कोई भी ऐसा पर्सन जो नोटिंग या प्रोटेस्ट होने के बाद, नोटिंग समझते हो ना, बिल पे नोटिंग होती है, नोटरी वाले के पास जाके बिल पे लिखवाते हो. प्रोटेस्ट मतलब सर जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है ना तो प्रोटेस्ट करवाना पड़ता है, जाके उसको उस कागज को लीगलाइज करवाना पड़ता है कि एक बंदा मेरा पैसा लेके भाग गया, नोटरी पब्लिक वालों जनता तक पहुंचा दो, जनता मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोर्ट तक ये बता दो कि एक इंसान ने मुझसे पेमेंट देने का वादा किया था और वो इंसान पैसा लेकर भाग गया मेरा, तो उसको कहते हैं प्रोटेस्ट करवाना. नोटरी वाले के पास जाके आप उसको लीगलाइज करवाते हो. ठीक है, बाकी ये टॉपिक पूरा है तो नोटिंग प्रोटेस्ट साथ में पढ़ेंगे, 99 और 100 सेक्शन शायद. तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर मेरा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर्ड हो गया, मैंने उस पर प्रोटेस्ट करवा लिया. अब मुझे एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर, जिसका मतलब होता है सर ड्रॉअर की ऑनर रखने के लिए. ऑनर समझते हो, किसी का ऑनर करते हो, क्या बोला जाता है, किसी की इज्जत कर. ड्रॉअर की इज्जत बचाने के लिए, ड्रॉअर की इज्जत करने के लिए एक एक्सेप्टर आएगा जो सिर्फ ड्रॉअर की इज्जत बचाने के लिए उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा. मतलब किसी भी ड्रॉअर के ऑनर के लिए है ना, अगर कोई पर्सन क्या बन जाता है, एक्सेप्टर बन जाता है बिल का, तो उसको कहा जाता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर. ड्रॉअर के ऑनर को बचाने के लिए, रेप्यूटेशन को बचाने के लिए अगर कोई पर्सन ड्रॉअर के बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कहा जाता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर. नहीं, श्योरिटी नहीं, श्योरिटी कौन बनेगा, देखो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड कैन बी अ श्योरिटी, क्योंकि ड्रॉइंग कौन होता है जो पेमेंट करता है, और जरूरत पड़ने पर किसी को ड्रॉइंग बनाया मतलब आपने किसी गधे को भी राजा बनाया है. क्यों, अगर वो भाग गया तो आप उसको पकड़ लोगे. इसलिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, कोई इंसान जो आपका बिल एक्सेप्ट कर रहा है पता है क्यों, सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए. मतलब एक्चुअल में आपको कोई उससे पेमेंट नहीं लेनी है, आप सिर्फ ये दर्शाना चाह रहे हो दूसरे को कि देखो मैंने बिल बनाया और उसने फटाफट एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ मेरे ऑनर की वजह से, मेरे लिए वो ऑनर रखता है, मेरी इज्जत करता है इस वजह से. क्लियर, अब आ जाओ पे पर. द पर्सन इन नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड. कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की या प्रॉमिसरी नोट की या चेक की पेमेंट रिसीव होने वाली है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट रिसीव होने वाली है, पेमेंट मिलने वाली है, वो कौन होता है, पे ही होता है. मतलब द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हूज ऑर्डर, सर किसी के ऑर्डर पे ही बनता है, ऐसे पे ही नहीं बनता. जैसे अल्टीमेटली आई एम टीचिंग यू तो तुम लोगों को फीस मुझे देनी चाहिए, बट वी हैव डायरेक्ट गिवन यू डायरेक्शन कि पेमेंट शुड बी मेड टू रिसेप्शन, रिसेप्शन पे जाके आपको पेमेंट करना है. तो जो ड्रॉअर होता है ना हमेशा वही बताता है कि पेमेंट किसको देनी है. और अगर एंडोर्समेंट ब्लैंक बिल हुआ तो जिसका नाम लिखा है वो क्या बन जाएगा, पे ही बन जाएगा. ठीक है, तो या तो आपको ऑर्डर भी मिलती है, ऑर्डर द मनी बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड, सर मनी किसको पे करना है, जिस इंसान को भी मनी पे करना होगा वो कौन बन जाएगा, पे बन जाएगा. चल अब आओ होल्ड, ये दो वर्ड्स, ये दो चीजें हैं सिर्फ. सबसे इंपॉर्टेंट जो नेगोशिएबल में कुछ बोलू ना तो ये दो है, एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने में इंपॉर्टेंट. देखो क्या है, होल्डर का मीनिंग समझना. The holder of promissory note, bills of exchange, or check is any person entitled in his own name the possession thereof. Any person entitled in his own name the possession and receive or recover the amount due thereof from the parties due.
Where an old bill of exchange chain or check is lost or destroyed, its holder is the person who is entitled to the time of such loss or destruction. So, कोई भी ऐसा person, जिसका क्या लिखा हो, name लिखा, name on the negotiable list. दूसरी बात, he has to receive payment or recover payment. ठीक है, if like NI मतलब negotiable instrument है ना, NI is lost comma या फिर और कॉमन लगाना और डिस्ट्रॉइड पेमेंट वुड बी मेड टू होल्डर. ये है होल्डर की डेफिनेशन का बायफर. सर होल्डर यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, होल्डर यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास, जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, तीनों से कोई भी चीज चले. सर क्यों है, उसका नाम लिखा है. सर नाम, सर नाम लिखना कौन सी बड़ी बात है, जिसके हाथ में आएगा वो अपना नाम लिख लेगा. कोई भी ऐसा पर्सन जिसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर लिखा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके नाम पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा, और साथ ही साथ एंड लिखा है देखो बीच में एंड, साथ ही साथ उसको दूसरी पार्टी से पैसा रिसीव करना हो या रिकवर करना हो. रिकवर मतलब मैंने दिया था तो बदले में लूंगा मैं वापस, रिसीव करना मतलब मुझे अभी सिर्फ लेना है. जैसे लोन, लोन आप रिसीव करते हो, लोन की जब रीपेमेंट होती है तो सामने वाले की रिकवरी होती है. ठीक है, रिकवरी मतलब क्या होता है, पहले लिया था और बाद में लौटा दिया, इसको रिकवरी कहते हैं. रिसीव करना मतलब सेवा भी मिला है, दिया नहीं है अभी. ठीक है, तो आपने अपना नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्यों लिखा, क्योंकि आपको पैसा मिलना था, या तो आपको किसी से पैसा, अगर या तो कोई आपको पैसा लौटा रहा था, या तो आपको पैसा सिर्फ मिल रहा था, या तो कोई पर्सन आपको पैसा लौटा रहा था. किसके बदले, गुड्स के बदले, सर्विस के बदले या पैसे के बदले. जैसे आपने किसी जगह पे एक महीने काम करा तो जो पैसा आपको मिलेगा वो रिकवर होगा. सर मेहनत करी थी, सर्विस दी थी, रिकवरी. गुड्स बेचे, रिकवरी होगी. लोन दिया, रिकवरी होगी. लेकिन अगर आपने किसी से पैसे मांगे उधार तो इट इज रिसीविंग द मनी. ठीक है, आगे द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू वेयर द नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज लॉस्ट द होल्डर इज द पर्सन एंटाइटेड टू रिसीव द पेमेंट. सर मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया. क्या हो गया, गुम हो गया. अगर भरा हुआ है तब तो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर वो खाली है, ब्लैंक है, तो इन दैट सिचुएशन जिस इंसान के हाथ में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मालिक है और उसी को पेमेंट मिलेगा. मतलब अगर कोई चोर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को चुरा कर भी ले गया ना, तो सर वो उसका मालिक होता है और उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम भी लिखा है. उसको पेमेंट रिसीव भी करनी है, रिकवर नहीं करनी, रिसीव करनी है सिर्फ चोर की. और साथ ही साथ अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो सोचो चोर के पास भी गुड टाइटल आ जाएगा. ठीक है, तो होल्डर का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा इंसान जिसका नाम लिखा हो, या तो जिसको पेमेंट चाहिए हो या रिकवर करनी है. अच्छा, जेन्युइन पर्सन भी हो सकता है, रिकवर कर रहा हूं मैं. जैसे भाई मैंने तुम्हें गुड्स बेचे थे, तुम्हें पास चेक आया, तो आई एम दी होल्डर जिसको पैसा रिकवर करना है. ठीक है, और अगर मान लो थर्ड पॉइंट क्या था, अगर मान लो वो गुम हो गया, तो भी जो इंसान के हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, होल्डर. ठीक है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा कर लेंगे तब जाके ऊपर वाला पॉइंट समझ में आएगा. अभी अपन ने ऊपर सिर्फ डेफिनेशन का मतलब समझा, अभी केस मेन समझना है अपन को. चलो अब देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है. सेक्शन 9 है पहली बात. इट मीन्स एनी पर्सन फॉर कंसिडरेशन, बस यही था सबसे. बिकम
The purchaser of promissory note, bill of exchange or check, if payable to bearer or payable to the endorsee, if payable to the order before the amount mentioned in it becomes payable without having sufficient cause to believe that any defect exists in the title of person to whom it was derived his title. So sir, holder in due course kya hota hai? Yahan ye hain Mr. Ram, इन्होंने टाटा कंपनी से, टाटा इंडस्ट्री से माल खरीदा, गुड्स खरीदे और गुड्स के बदले में इनको क्या दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। अब ये बताओ ड्रॉ किसने करा होगा? टाटा ने ड्रॉ करा होगा, टाटा ने ड्रॉ करा होगा ना, टाटा सेलर है, ड्रॉ कर लिया, राम को दे दिया, राम ने क्या करा होगा उसको, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद वापस टाटा को दे देगा, ठीक है। तो इसलिए आखिरी एरो कहां बना है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज आखिरी में टाटा के पास ही चला जाएगा। अब भाई टाटा इंडस्ट्री को पेमेंट करनी थी आगे कहां पे, टाटा की फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वाले को टाटा ने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया जो किसका था, राम ने एक्सेप्ट करा था, आगे कर सकते हैं इसको एंडोर्समेंट है, कर दिया भाई। फैक्ट्री वाले ने कुछ दिया होगा ना तभी किया, कैसी फैक्ट्री में से माल आया होगा सर, इन्होंने क्या दिया, गुड्स। अब फैक्ट्री वाले इनको अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी, एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, तो उसने बिल उठा के आगे ट्रांसफर कर, क्या सैलरी वाले ने बदले में कुछ दिया होगा, सर्विस दी होगी अपनी फैक्ट्री में, ये सर सर्विस तो बदले में यहाँ भी। सैलरी वाला जो एम्प्लॉय था उसकी वाइफ का बर्थडे था, उसने अपनी वाइफ को, मिसेस सैलरी वाली वाइफ को है ना, अपनी वाइफ को क्या दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे, बदले में वाइफ क्या देगी, कुछ भी नहीं सर, ये तो गिफ्ट है, कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। अब आगे क्या हुआ सर, इनकी जो वाइफ है इन्होंने एक काम करवाया था अपनी गाड़ी में मैकेनिक से, तो इन्होंने क्या करा, मैकेनिक को जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। मैकेनिक ने वाइफ को बदले में कुछ दिया होगा, उसकी उसकी नहीं सैलरी वाले की वाइफ को, सैलरी वाले का नाम समझ लो मिस्टर एक्स है, तो इसका नाम भी अपन ने मिसेज एक्स है, ठीक है। तो मैकेनिक को कुछ बदले में दिया होगा, मैकेनिक ने कुछ सर्विस दी होगी ना सर, सर्विस। मैकेनिक ने सर क्या करा, अपनी एक फ्रेंड को, ठीक है मैकेनिक की भी दोस्त होती है ना, मैकेनिक ने अपनी एक फ्रेंड को, अरे यार यहाँ भी फ्रेंड, यहाँ भी फ्रेंड होता है, अपनी एक फ्रेंड को क्या दे दिया सर, गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज। इस फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया है ना, और आखिरी में इस फ्रेंड के घर से ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया चोरी। क्लियर, एक सिचुएशन तो ये, अब देखो पूरी सिचुएशन सर। राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज टाटा को दिया था और टाटा ने गुड्स दिए, ठीक है, तो टाटा के पास बिल है अभी हाथों में, टाटा पता क्या बन गया, HDC होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर टाटा ने फैक्ट्री वाले को गुड्स दिया और फैक्ट्री वाले ने, सॉरी टाटा ने फैक्ट्री वाले को बिल दिया और फैक्ट्री वाले ने गुड्स दिए, फैक्ट्री वाले के पास बिल है, फैक्ट्री वाला क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। फैक्ट्री के बाद ये बिल गया सैलरी में, सैलरी के बाद सर्विस मिली, ये मिस्टर एक्स क्या बन गए, होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया मिसेज एक्स के पास, ये क्या बन गया, मिसेज एक्स क्या बन गई, मिसेज एक्स बन गई सिर्फ होल्डर। पता है क्यों, क्योंकि मिसेज एक्स ने बदले में उस बिल के कुछ भी नहीं दिया। तो होल्डर जो होता है ना वो ऐसा पर्सन होता है जो बिल को सिर्फ होल्ड करके रखता है, जो अपना नाम लिख लेता है बिल पे, लेकिन वो गुड्स को
सॉरी बिल को विदाउट एनी कंसिडरेशन रिसीव करता है, मतलब ये नहीं कह रहा करता है, वो विदाउट एनी कंसिडरेशन भी कर सकता है, विद कंसिडरेशन भी कर सकता है। इस केस में उसने विदाउट कंसिडरेशन करा, तो उसको मैं सिर्फ होल्डर कहूंगा, ठीक है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जो बिल को होल्ड करके रखा है या जिसका नाम बिल पे लिखा है, उसको सामने वाले से कुछ पेमेंट लेनी थी, कुछ लेना था, तभी उसने बिल एक्सेप्ट करा, ठीक है। चलो अब ये चीज आगे बढ़ी सर मैकेनिक के पास, मैकेनिक क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्यों, मैकेनिक को बिल मिला, बदले में मैकेनिक ने सर्विस दी ना, तो कंसिडरेशन के बदले में लिया सर, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, फ्रेंड क्या बन गई, सिर्फ होल्डर। क्यों सर, विदाउट कंसिडरेशन, ये गया उसके फ्रेंड के पास गिफ्ट में, ये भी कौन बन गया, होल्डर। यहां तक कहानी समझ में आई। अब देखो चोरी हो गया, चोरी किसने करा है सर, चोर ने, चोर का नाम क्या है, क्या नाम रखे चोर का, सॉरी गब्बर सिंह, ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है, गब्बर भाई, गब्बर चोर थोड़ी था, वो तो ना डाकू बेचारा, चलो तो भाई गब्बर ने चोरी कर लिया। सर सुनिए, गब्बर ने चेक को चोरी और बिल को चोरी कर लिया, बिल किसके पास है, अभी चोर के पास है ना, बिल ऑफ एक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ चोरी का। सर ये गया, इसने एक रेस्टोरेंट में बढ़िया सा खाना खाया, और खाना खाने के बाद इसको मिल गया खाना, और इसने ट्रांसफर कर दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल किसके पास आ गया, रेस्टोरेंट वाले के पास, कौन सा बिल, चोरी का बिल। अब ये रेस्टोरेंट पता है कहाँ गया आखिरी में, अब ये बताओ रेस्टोरेंट वाले को पैसा मिलना चाहिए क्या, मिलना चाहिए, क्यों सर, सर्विस दिए सर, रेस्टोरेंट वाले ने चोरी का बिल, चोरी का बिल विथ कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर, जस्ट बिकॉज रेस्टोरेंट वाले को ये पता नहीं था बिल चोरी का है, उसने एक्सेप्ट कर लिया पहली बात, और दूसरी बात ये कि रेस्टोरेंट वाले ने बिल विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट नहीं करा, उसने कुछ सर्विस दी थी, खाना दिया था, तभी उसने बिल एक्सेप्ट करा, तो इन दैट केस होल्डर इन ड्यू कोर्स विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, इवन द टाइटल ऑफ चेक, टाइटल ऑफ बिल इज डिफेक्टिव, भले ही आपका बिल कितना भी डिफेक्टिव हो, लेकिन आखिरी में पेमेंट किसको मिली, रेस्टोरेंट वाले को, क्यों, क्योंकि सर उसने कोई गलत काम नहीं करा था। तो सोचो चोरी की चीज खरीदने के बाद, चोरी की चीज बैंक में ले जाने के बाद भी आप चोर नहीं कहलाए, क्यों, क्योंकि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चोर से की हुई चीज भी अगर कोई ट्रांसफर होती है ना, तो उसमें अगर आपने कंसिडरेशन रिसीव करी है तो आपको गुड टाइटल मिल जाता है, जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले को मिल गया, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे सर, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स विल हैव गुड टाइटल, लिख लो होल्डर इन ड्यू कोर्स विल हैव HDC करके, होल्डर इन ड्यू कोर्स विल हैव गुड टाइटल, होल्डर इन ड्यू कोर्स विल हैव गुड टाइटल इवन इफ द चेक और बिल, इवन इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इवन इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफेक्टिव, इज डिफेक्टिव, मतलब सर भले ही आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितना भी गंदगी फैला रहा हो, कितना भी डिफेक्टिव हो, डिफेक्ट है ना, चोरी का है ये डिफेक्ट है, कितना भी डिफेक्टिव हो, लेकिन HDC को हमेशा पेमेंट मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि सर बिकॉज ही इज रिसीविंग चेक विद कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन की वजह से उसने चेक को रिसीव करा है, और उसको नहीं पता था कि ये चेक चोरी का है, तो भले ही चेक डिफेक्टिव हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल कैसा रहेगा, गुड टाइटल। गुड टाइटल का मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स विल बिकम ओनर ऑफ द बिल एंड ही विल रिसीव पेमेंट इवन इफ द चेक इज defective, even if the bill of exchange is different. Clear? Pakka 100%. नहीं मिलता फिर, क्यों लिया, चोरी का है, आपने बदले में कुछ आपको मतलब आपने कंसिडरेशन दिया नहीं सर, मुझे तो गिफ्ट मिला था, तो पेमेंट मतलब चोरी का पैसा, लेकिन आपको आपने मेहनत करी है यार,
उसके बाद आप पैसे नहीं जा रहे हो, कोई बोल रहे चोरी का, तो आप क्या बोलोगे? वो मुझसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे चेक की पेमेंट चाहिए, खत्म बस, मेरा नाम लिखा है, आई एम दी ओनर, दो पैसा देना पड़ेगा मैम, ठीक है? हुआ केस क्लियर? पूरा एक एक पॉइंट पे मैंने सबका मतलब लिखवाया, होल्डर कौन है, होल्डर ड्यू। तो विदाउट कंसिडरेशन में आप सिर्फ होल्डर बनते हो, और अगर कंसिडरेशन जुड़ी हुई है तो होल्डर एंड ड्यू। कंसिडरेशन मतलब पता है ना, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। कब मिलता है बदले में कुछ? जब किसी के लिए कुछ करोगे। चलो तो ये हो गए सर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो एन एंडोर्सर बिकेम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर कंसिडरेशन। सर जब तक कंसिडरेशन नहीं होगी ना, तब तक आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन पाओगे। क्या रहोगे सर? होल्डर। ही कैन बिकेम एंडोर्सी बिफोर द अमाउंट मेंशन प्रॉमिसरी नोट बिकम पेबल। आप कभी भी क्या बन सकते हो? एंडोर्सी बन सकते हो। एंडोर्सी में कौन होता है? जिसको मिलता है। एंडोर्सर कौन होता है? जो ट्रांसफर करता है, है ना? तो एंडोर्सी आप कभी भी एंडोर्सी बन सकते हो। कब तक? इवन बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड प्रॉमिसरी नोट बिकेम पेबल। अमाउंट पे होने से पहले, मतलब समझो क्या, किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ ना, चेक की नहीं कर रहा। किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे डेट लिखी हुई है 10/9/2021, ठीक है? इसका मतलब क्या है सर? 10 दिन प्लस 2 या 3 दिन का जो भी ग्रेस होता है वो ऐड कर लो। वैसे 10 तारीख का पेमेंट लिखी तो ग्रेस 3 दिन का मिलेगा आई थिंक, है ना? अकाउंट्स में कंफर्म करना, आई थिंक 13 को या 12 को पेमेंट होगी। एक बार पूछ लेना, क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मैंने 4-5 साल पहले पढ़ा था जब भी पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर या तो पेमेंट 13 को या 12 को, है ना? वैसे मेरे हिसाब से 12 को होनी चाहिए, 10, 11 और 12, हाँ ये मेरे हिसाब से है, लेकिन एक बार पूछ ले, ठीक है? तो तुम्हें श्योर हो जाएगा। तो 13 तारीख को मेरे हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए। तो पता है मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स कब तक बन सकता हूँ? 13 तारीख से पहले। अब कोई इंसान 13 तारीख की शाम को आ रहा है और मुझे कह रहा है सर ये बिल ले लो, मेरे पास पैसा नहीं। मैं बेवकूफ, मैंने ले भी लिया, बाद में देखूंगा, इसकी तो एक्सपायरी निकल गई, अब कहाँ से पेमेंट मिलेगी? पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट तो निकल गई, बिकॉज ओनली चेक इज पेबल ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे नहीं होता कि आपका मन है आपने डिमांड कर दी कभी भी मोटा के, नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट्स होती हैं। प्री मेच्योर नहीं करवा सकते, डिस्काउंटिंग करवा सकते हो बैंक में जाके, और बाद में भी पैसा नहीं ले सकते। तो पैसा कब लेते हो? जो उसकी अपॉइंटेड डेट रहती है, मेच्योरिटी की डेट होती है, ठीक है? क्लियर? चल थर्ड पॉइंट, he should have no sufficient cause to believe that any defect exists in the title from the whom it was delivered the title. सुनो भैया, सीधी बात करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कि जिसने भी हमें बिल दिया था वो चोर है, डाकू है, गुंडा है, कुछ भी है। वो हमारे घर में, हमारी दुकान में, हमारे ऑफिस में आके सर्विसेज या गुड्स लेकर गया था, he is entitled to make payment. क्यों? क्योंकि वो मेरे पास से गुड्स और सर्विस लेकर गया था, तो सामने वाले को पेमेंट देनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स से अगर कोई पूछे कि तुमने चोरी का बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बोलेगा? मैं अपने कस्टमर्स पे उंगली नहीं उठा सकता, वो चोर है, डाकू है, कुछ भी हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे पेमेंट लूं, उनका फर्ज बनता है कि मुझे टाइम टू टाइम पेमेंट दें। अब अगर उन्होंने मुझे चोरी का चेक दे दिया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है। आपको मैं उसका एड्रेस बता देता हूँ, जाके उसको पकड़ो। मेरे पास अगर एड्रेस नहीं है तो आप कैसे भी पकड़ो, मुझे मेरा पैसा चाहिए जस्ट बिकॉज मैंने सर्विस दी है। और अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो ये जो एक्ट आपने बनाया ना, ये कोई काम करे। क्लियर आया समझ? तो अपन ने जो वर्ड लिखा है कि भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट गुड टाइटल इवन इफ द चेक इज डिफेक्टिव, लास्ट पॉइंट। क्लियर? और हाँ, चेक शुड बी एक्सेप्टेड बिफोर मैच्योरिटी, ये भी लिख लो। Holder in due course will accept the bill. Holder in due course will accept the bill before the date of maturity. Holder will accept the bill before the date of maturity. Maturity date समझते हो ना? Date of payment, maturity. समझ में आया पक्का? हाँ? चलो अब देखो difference. Sir holder. Entitled his own name to the possessed instrument and the amount thereof parties involved. LGC. Holder in due course possesses the instrument for consideration. Sir, holder मतलब वो इंसान जिसका नाम लिखा होता है इंस्ट्रूमेंट पे और जिसको पैसा मिलता है। होल्डर का मतलब वो इंसान जिसका नाम लिखा रहता है और जिसको पैसा मिलता है।
होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब वो इंसान जिसका नाम इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसको बदले में कुछ लेना है और इसलिए उसको पेमेंट मिलती है। मतलब इनने पता क्या बोला, सर होल्डर एक ऐसा इंसान है जिसको कंसिडरेशन पे भी या विदाउट कंसिडरेशन दोनों केस में पेमेंट मिलती है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स पेमेंट कब लेता है, जब उसको कंसिडरेशन लेनी होती है। मतलब सर अगर हमने विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई बिल एक्सेप्ट करा है तो हम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, सिर्फ होल्डर है, क्योंकि हमारा नाम भी लिखा है, हमें पेमेंट भी मिलेगी। क्यों मिलेगी ये नहीं पता, गिफ्ट की वजह से, चोरी कर लिया था इस वजह से, क्लियर। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा पेमेंट लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि उसके बदले में कुछ दिया यार किसी, इसलिए कंसिडरेशन की। सेकेंड पॉइंट, द टाइटल ऑफ होल्डर सब्जेक्ट टू टाइटल ऑफ ट्रांसफर, द होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट अ बेटर टाइटल। सुनो भैया, होल्डर का टाइटल पता है कैसा होगा, जैसा टाइटल ट्रांसफर करने वाले का है। मतलब अगर चोर ने ट्रांसफर करा तो आप भी चोर बन जाओगे। हाँ, आप प्रूफ कर दोगे कि मुझे गिफ्ट में दिया था, मेरा जो फ्रेंड है वो चोर है, है ना, जिसने मुझे दिया था वो चोर है, या वो चोरी करके लाया था, या रास्ते पे पड़ा हुआ मिला था तो हमने उठा लिया। तो हर सिचुएशन में पता है आप क्या कहलाओगे, होल्डर क्या कहलाएगा, जो वो इंसान चोर कहलाएगा ना वही आप भी कहलाओगे। क्यों, अरे कोई इंसान फ्री में नेगोशिएबल दिखे जा रहा है, तुम्हें पागलों ले रहे हो, समझ रहे हो बात, भाई मैंने तुम्हें एक चेक गिफ्ट कर दिया, एक पल को सोचो तो यार ये मुझे चेक गिफ्ट क्यों कर रहा है। हाँ, कोई रिलेशन है अपना, भाई बहन का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, है ना, हस्बैंड वाइफ का, फादर ब्रदर का, है ना, मदर, कुछ भी ऐसा अगर कोई ऐसा रिलेशन है तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक भाई तुम अनजान हो, मैं क्या यार ये चेक चाहिए, ले लो ले लो, तुमने ले लिया, शक तो करोगे ना यार, नहीं कर रहे तो तुम भी चोर, मैं तो हुई, तुम भी चोर बन गए। तो जैसा आपका ट्रांसफर करने वाले का स्टेटस होगा वही स्टेटस ट्रांसफरी का भी हो जाएगा, मतलब होल्डर का भी। लेकिन एसजीसी में आप चोर हो, निकम्मे हो, गुंडे हो, कुछ भी हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स विल ऑलवेज गेट अ बेटर टाइटल। ये वर्ड यूज करना है, बेटर टाइटल, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बेटर टाइटल मतलब आपके पास ओनरशिप आ जाती है, चेक का मालिकाना हक आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, होल्डर में रिसीव द इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, और यहाँ पे कंसिडरेशन होती है, सेम पॉइंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स, नहीं, होल्डर डज नॉट गेट सर्टेन प्रिविलेज अवेलेबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर जैसी प्रिविलेज होल्डर इन ड्यू कोर्स को अवेलेबल है वैसी होल्डर को अवेलेबल नहीं होती। जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ ऐसा ऐसा, चोर दे कोई भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं, पेमेंट मिल रही है, लेकिन होल्डर के साथ ऐसी चीजें नहीं है। प्रिविलेज मतलब समझते हो ना, आपको प्रिविलेज देके रखिए, मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाधाएं नहीं लगाएं, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चोर से भी पैसा ले लो और जाके आपको पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप होल्डर हो तो आप सिर्फ उसी से पैसा लो जिसको आप जानते हो, बदले में कुछ दिया हो, क्लियर, डन। तो दीज आर द डिफरेंसेस। चलो अब आ जाओ, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है और फिर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सर पेमेंट इन ड्यू कोर्स फालतू का टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। पता है पेमेंट ऑफ ड्यू कोर्स क्या होता है, व्हेन ड्रॉई मेक्स पेमेंट, व्हेन अमाउंट इज ड्यू। मतलब सर ड्रॉई ने वादा करा था 9/9/2021 को पेमेंट करेगा, आज 9 तारीख ही है सर, तो ये क्या बन गई, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर ड्रॉई ने 9 तारीख तक पेमेंट कर दी तो हम बोलेंगे ड्रॉई ने पेमेंट लेट नहीं करी, और अगर ड्यू कोर्स में पेमेंट नहीं करी तो आपने पेमेंट लेट कर दी। जैसे कभी तुम लोग ऑनलाइन बिजली का बिल भरो, बिजली का बिल भरना क्या, बिजली का बिल अगर देखोगे भी ना तो उसमें डेट लिखी रहती है, जिस दिन बिल जनरेट हुआ। जैसे मान लो बिल जनरेट होता है हमारे यहाँ का, जैसे बिल आज नहीं, अभी क्या चल रहा है, अभी टाइम है, बिल जनरेट हुआ 10/10/2021 को, और सेप्टेम्बर का बिल जनरेट हो गया, क्या ये इंसान 10 तारीख को ही भर देगा, पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, इंटरनेट वाईफाई भी, इसमें भी टाइम मिलता है। इसकी पेमेंट पता है मैं कब तक कर पाऊंगा, शायद 15 तक या 17 तक या 20 तक, जो भी हो। तो पता है बिजली विभाग वाले मुझे पता है कम से कम 5-6 दिन का टाइम देंगे, और पता है क्या बोलेंगे कि 10 तारीख को आपकी पेमेंट ड्यू है,
कब तक ड्यू है? 15 तारीख तक ड्यू है, और 15 तक नहीं चुकाई तो आपके ऊपर क्या लगेगा? लेट चार्जेस लगेंगे, फाइन लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर आपने गिवन टाइम में ड्यू कोर्स में, ड्यू मतलब जिस टाइम पे पेमेंट आउटस्टैंडिंग हुई थी, अगर आपने उसी टाइम पे पेमेंट कर दी तो इसको कहा जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और सर नहीं कर पाए तो सर आपने पेमेंट लेट कर दी है, सिंपल सी बात। तो देखो पढ़ लो, सेक्शन 10 डिफाइन द एक्सप्रेशन एज पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन थेरऑफ अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट देयरिन मेंशन। मतलब सर पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ऐसा होता है जहां पे एक पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको उसका पैसा मिल जाएगा और सामने वाला कोई नेग्लिजेंस नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं डालेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, और जितनी अमाउंट आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी है उतनी ही डेट को आपको सेम अमाउंट मिल जाएगी या मिल गई है। इसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। मतलब जो अपेरेंट टेन्योर, जो गिवन टाइम आपके बिल में लिखा है, उस गिवन टाइम में अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहते हैं। क्लियर? चलो सर, इंस्ट्रूमेंट्स, पहले इनलैंड पढ़ते हैं फिर फॉरेन पढ़ेंगे, है ना? और यहां पे आई थिंक मुझे क्लास खत्म करनी पड़ेगी। पहले आ जाओ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। पहली बात, मेड इन इंडिया, प्लस पेबल इन इंडिया और एक कंडीशन तो ये, और ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा बिल, प्रॉमिसरी नोट या चेक विच इज मेड इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया, या फिर ड्रॉन अपॉन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी वो बिल क्या कहलाएगा? इनलैंड बिल। समझो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। सर कोई भी ऐसा बिल जिसको हम लोग इंडिया में ड्रॉ कर रहे हैं, इंडिया में बना रहे और साथ ही साथ उसकी पेमेंट भी इंडिया में हो रही है, मतलब सर पैसा इंडिया में, बिल बनाया और पैसा भी इंडिया में रिसीव हुआ, तो ये इनलैंड बिल है। फॉरन बोल रहा हूं। इसके अलावा इनलैंड बिल क्या हो सकता है? कोई भी ऐसा बिल जो इंडियन रेसिडेंट के ऊपर बनाओ। अब कंडीशन सुनना, बहुत ध्यान सुनना, लग रहा है वो कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, ठीक है? ध्यान ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। देखो क्या हो, इसका नाम तुम सब लोगों ने सुना होगा, ब्रेटली का नाम सुना होगा इंडिया, है ना? क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है। सर ये जो क्रिकेटर है ना, ये आया था इंडिया में आईपीएल खेलने। आईपीएल में मैन ऑफ द मैच जीता तो इसको क्या मिलेगा? एक चेक मिलेगा। दिखता वो बड़ा है लेकिन वो लेके जाते नहीं, साथ में छोटा चेक भी होता है ना? तो आईपीएल वाले इसको एक चेक देंगे। चेक किसने बनाया होगा? चेक आईपीएल वालों ने। कहां बनाया होगा? इंडिया। तो सर आईपीएल वालों ने चेक बनाया, इसका मतलब चेक इज ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है? सर ब्रेटली जो है वो चेक को ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया और पेमेंट ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के बैंक से ले ली। कौन से बैंक से?
ऑस्ट्रेलिया के बैंक से पेमेंट ली। मतलब सर ये बिल जो है ना इट इज ड्रॉन इन इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना, ऑस्ट्रेलिया के बैंक से पेमेंट ले ली। ये बिल जो है, चेक जो है वो कहां ड्रॉ हुआ है, इंडिया में, लेकिन पेमेंट कहां हुई है, पेमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। क्या बन गया ये, ये बन गया फॉरेन बिल, क्योंकि सर इन चेक बिल बनना भी इंडिया में चाहिए और पेमेंट भी इंडिया में चाहिए। एक केस क्या बन गया, फॉरेन बिल। पूरा एग्जांपल लिखो और ये लिखना। सेकंड केस देखो, ब्रेटली, ब्रेटली सेकंड केस। सर हमारा ब्रेटली इज वर कैरन पोलार्ड, कहां का है ये, वेस्ट इंडीज का, सब जानते हैं ना सर। ये आईपीएल में मैन ऑफ द मैच जीत गया, आईपीएल में इसको क्या मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, कहां पे ड्रॉ हुआ है सर, ड्रॉन इन इंडिया। ये बंदा पता है कहां का है, बाहर का है, फॉरेनर है ना, नॉन रेसिडेंट अगर टैक्स पड़े है तो कैरन पोलार्ड ने भैया इस चेक की पेमेंट कहां पे जाके ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई गया, कौन सी, महाराष्ट्र वाली ब्रांच में, और जाकर पेमेंट। तो सर इसकी पेमेंट कहां हुई, पेमेंट इन इंडिया। तो सर ये ऐसा चेक है जो ड्रॉ भी इंडिया में हुआ था और पेमेंट भी इंडिया में, भले ही पेमेंट किसी चीज को भी मिली हो दुनिया के, लेकिन ये पेमेंट क्या कहलाएगा, ये बिल क्या कहलाएगा, इन लैंड, क्यों सर, ड्रॉन इन इंडिया एज वेल एज पेमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब सुनो तीसरा, ये मैंने अभी क्या समझाया, फर्स्ट वाली सिचुएशन जो मैंने ऊपर यहां लिखवाई है ना, ये वाली मेड इन इंडिया और पेबल इन इंडिया। अच्छा हाँ, मेड और ड्रॉन का मतलब एक ही होता है ना, तो आगे चाहो तो ड्रॉन भी लिख लेना, मेड किया ना, क्लियर हुई ना, पहली वाली सिचुएशन क्लियर हुई, अच्छे से बनाना उसको, गारंटी दे रहा हूं कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये भी गारंटी दे रहा हूं ये नहीं पढ़ाना कभी नहीं समझ पाओगे, अगर कोई और ने नहीं समझाया। चलो अब आओ थर्ड केस पे, अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब अपन इंडिया के लोगों की बात करते हैं। सुनो, ये है हमारा विराट कोहली, इसको भी सब लोग जानते हैं। अभी ये कहां पर है, राइट नाउ इंग्लैंड में है, सीरीज खेल रहा है सर, चौथा टेस्ट मैच था है ना, और यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच जीतने के लिए, जीत गया था तो उसको एक चेक दे दिया सर, चेक ड्रॉ का हुआ है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, विराट कोहली साहब जो है वो चेक को लेकर आ गए इंडिया में और एसबीआई में जाकर उन्होंने चेक की पेमेंट ली, तो सर इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ लेकिन पेमेंट इंडिया में हुई, क्या बन जाएगा ये बनेगा अपना इनलैंड बिल। पता है क्यों, क्योंकि सर इट इज ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिस बिल में उस पर्सन का नाम लिखा है ना, ही इज इंडियन, वो चेक की पेमेंट कहीं से भी ले, वो पैसा लेके तो इंडिया ही आएगा ना बॉस, और इस वजह से विराट कोहली के नाम पे अगर कोई चेक बनता है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, या किसी भी इंडियन सिटीजन के नाम के ऊपर अगर कोई चेक या बिल बनता है तो वो क्या कहलाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी ऐसा चेक, कोई भी ऐसा चेक जो कि इंडिया में ही बना हो, साथ साथ इंडिया में ही उसकी पेमेंट हुई हो, कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा चेक, कोई भी ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना भी हो और इंडिया में उसकी पेमेंट भी हुई हो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा भी कुछ होता है क्या, हाँ एक और कंडीशन, सर बिल बना किसके नाम पे हो, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब कोई भी बिल, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट के नाम के ऊपर बनता है, फिर वो बना कहीं भी हो, पेमेंट कहीं भी हुई, नाम किसका होना चाहिए, इंडियन का, जो इंडिया का रेसिडेंट हो। जैसे तुम लोगों को अमेरिका में चेक मिला, वो अमेरिका का चेक नहीं, वो इनलैंड होगा क्योंकि तुम्हारे नाम पे बना है वो चेक,
क्लियर। तो अगर किसी चेक पे किसी इंडियन का नाम लिखा है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इंडियन का नहीं, इंडियन रेसिडेंट का नाम लिखा है। इंडियन तो बाहर रहने वाले भी इंडियन कहलाते हैं ना, तो इंडियन रेसिडेंट का। तो किसी भी बिल पे इंडियन रेसिडेंट का नाम लिखा है तो वो क्या बन जाएगा? इनलैंड। क्लियर 100%। अब फॉरन फॉरन इंस्ट्रूमेंट अ प्रोमिनेंट बिल ऑफ इन चेक नॉट ड्रॉन मेड और मेड पेबल इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी फॉरन। सर अगर ब्रैटली वही चेक को दूसरे अपने देश ले जाता तो क्या बन जाता? फॉरन बन जाता, क्योंकि पेमेंट बाहर हो रही थी। तो जो भी चीज इनलैंड नहीं होती वो क्या होती है? फॉरन होती है, क्योंकि इंडिया अपना एक देश है इंडिया, उसके अलावा बाकी सब क्या है? फॉरन कंट्रीज है ना। कितनी कंट्रीज है? 206 कंट्रीज, 212 कितनी है जितनी भी है, उसमें से एक कंट्री तो अपनी है, बाकी जितनी भी कंट्री वो अपने लिए क्या है? फॉरन कंट्री। तो अगर कोई भी कंडीशन इनलैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो वो बिल क्या बन जाता है? फॉरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डन। अच्छा आज यहीं छोड़ रहे हैं, कल अपन एम्बिशियस पढ़ेंगे, है ना। पेबल ऑन डिमांड अपन को पता ही है, इनोक्यूट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा थैंक यू सो मच।